फिजिकल थाना क्षेत्र के तहत आने वाले चिलौद घोसीपुरा में शनिवार को अवैध कनेक्शन और हीटर जब्त करने गए बिजली कर्मचारियों पर स्थानीय रहवासियों ने हमला बोल दिया। बमुश्किल बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। वहीं स्थानीय रहवासियों का कहना था कि बिजली कर्मचारी बिना परमिशन के अंदर घुसे चले गए और सुबह का समय था, उस समय बहू बेटी नहा रही थी। बिजली कर्मचारियों को रोका तो वो नहीं माने, जिस पर लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने फिजिकल थाने में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक चिलौद घोसीपुरा क्षेत्र में हीटरों के चलने के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फेल और एलटी केबल जलने की शिकायतें आ रही थी, जिस कारण बिजली विभाग को बिजली प्रदाय करने में काफी परेशानी हो रही थी। वहीं कई उपभोक्ता के द्वारा बिजली का भुगतान न करके डायरेक्ट लाइट जलाई जा रही थी। इस पर बिजली कंपनी के प्रबंधक पूर्व जोन ने जांच के आदेश दिए थे। निर्देश मिलने के बाद बिजली कर्मचारी चिलौद घोसीपुरा पहुंचे। जब कर्मचारियों ने लोगों के घरों को चेक करना शुरू किया तो उन्होंने हंगामा कर दिया। आसपास के लोगों को बुलाकर मारपीट करने पर उतारू हो गए, जैसे तैसे भागकर जान बचाई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि सुबह का समय था, घर में बहू बेटी नहा रही थी, लेकिन बिजली कर्मचारियों ने एक ना सुनी और घर में घुसे चले गए। उस समय बहू बेटी नहा रही थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि पुलिस भी अगर चेकिंग करने आती है तो वो वारंट लेकर आती है, लेकिन ये लोग रोकने के बावजूद भी नहीं रुके, जिसके कारण लोगों में जमकर आक्रोश फैल गया। 8 बजे 8-9 का टाइम था भैया, अब टाइम नहीं जानते, गाड़ी में देखा ही नहीं वो तो, फिर पूरे सबरे बच्चे गुस्से हो गए, पुलिस को लेकर चलेगा बेटा के नाम से के ऐसा करेंगे। बच्चियां सियानी सवारी ना रही है, सुबह घुसते ही चले आ रहे हो तुम तो, हम कह रहे हैं बच्ची ना रही है तो भी नहीं मान रही। हाँ डायरेक्ट गुस्से हैं वो तो, हम चिल्लाते रहे वो गुस्से रहे, उसके घर में ऐसे उदम मचा रही। जब जिन लड़कों ने बनाया तो 10-12 दिन के वो 10-12 दिन के दो पुलिस वाले थे और वो बिजली वाले थे, 8 दर्जन लाइट वाले थे वो, उनके घर में डायरेक्ट उनके घर में उनके लड़की है सियानी। ये कह रहे थे कुछ नहीं कह रहे वो तो, तुम लाइट डायरेक्ट जला रहे हो तो हम सब बिल भर रहे हैं, काय को जलाएंगे हम डायरेक्ट, ऐसे मीटर बंद है हमारे, हम तो सही ना कह रहे मीटर बंद है तो क्या कहते हैं, ताल लगा लिया हमने तो क्या हो गया उसमें, मीटर खराब हो गया। अगर हमारे अंदर हीटर जलना हो तो तुम वहीं से पकड़ो देखो लाइट दिन भर नहीं आती भैया, लाइट दिन भर नहीं आती। बताया कि बिजली वाले आए हैं और डायरेक्ट घर में घुस रहे हैं। एक परिवार है राजकुमारी परिवार, उसकी बच्ची नहा रही थी अंदर, और जब बिजली वाले आए अचानक उसे घर में घुस गए, और जिस घुसने के अलावा चिल्लाई बचाओ बचाओ तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्या बात है क्या नहीं है, तो बोला बिजली वाले हैं, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भैया बिजली वाले हैं तो इस तरह घर में घुसने का क्या मतलब है, गई नहीं हम तो उसे घुसने गई और उसके घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद अब आप जी बताइए, सरेआम सरासर ये मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, गुंडागर्दी पहुँचा रही है, तभी पुलिस भी आती है, कोई वारंट लेके आती है जब भी घर में घुसती है किसी के, इन पर ना कोई वारंट है ना कुछ, डायरेक्ट घर में घुस रहे हैं, ये कौन सा नियम कानून है, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र भाई, लोकतंत्र जिसमें लोकतंत्र के हिसाब से काम चलेगा। तो इस मामले में पीड़ितों ने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज कराई है कहीं? पीड़ित मेरे पास इकट्ठे होकर आए हैं, आपसे शिकायत नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब के या कलेक्टर साहब के पास इनको ले जाते हैं, ये शिकायत करते हैं, डायरेक्ट घर में सुनने का मतलब क्या है, अगर जो गलत काम कर रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अगर लाइट डायरेक्ट जला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें वसूल जाए, लेकिन घर में उसके गुंडागर्दी करने का मतलब क्या है। इस्माइल खान सर, ये मामला आज क्षेत्र में दर्ज हुआ, क्या कुछ मामला? ये था कि वहाँ विद्युत चोरी एवं हीटर जब्ती की कार्रवाई के लिए गए थे, तो वहाँ चिलौद और चिलौद में पानी की टंकी है, वहाँ आसपास जो है एक असामाजिक तत्व द्वारा जो है सामूहिक रूप से जो है बच्चों को औरतों को इकट्ठा करके 400-500 आदमी लोग तो इकट्ठा करके हमला कर दिया, पत्थर फेंके, गालियाँ गलौज करी, सामान छीन लिया, तो कुछ मीडिया वहाँ पर थी तो उनके सारे हम निकल करके अपनी जान बचा कर भागे, ठीक है ना, और वहाँ आए दिन ट्रांसफार्मर जलते हैं, केबलें जलती हैं, विद्युत सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको उस चोरी को रोकने के लिए वहाँ प्रयास किया गया था, ठीक है ना, कार्रवाई की जा रही थी, उस दौरान इन लोगों ने जो है वहाँ ईसा खान नाम का कोई व्यक्ति है उसके द्वारा ये पूरा कृत्य को अंजाम दिया गया है उसके द्वारा। सर इसमें कितने लोग आए हैं आपके कर्मचारी?
घायल कोई नहीं है, सब अपने जो है कोई उधर भाग गया कोई उधर भाग गया, चारों तरफ से अपनी जो जिस तरह से बक सकते थे भागे लोग। वहाँ पे महिला को आरोप है बिना परमिशन के वो नारे दी, ये सब सब नर्तक, ये तो गलत बातें हैं, गलत बातों का सहारा लेकर के वो जो इस तरह का षड्यंत्र रखने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल निरर्थक है, जिसमें कोई तत्व नहीं है, आधारहीन बात है। आपके द्वारा कार्रवाई की गई? कार्रवाई करनी नहीं दी ना, शासकीय कार्य में तो बाधा उत्पन्न की है उन्होंने, FIR के लिए मैंने पुलिस रिपोर्ट कर दी गई है, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये पूरा कृत्य रचा गया है, वहाँ पानी की टंकी में बैठा रहता है, लाल ट्रैक सूट में बैठा था वो, उसके द्वारा अपनी उनकी जो भी भाषा होती है आवाज़ लगा करके सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, बच्चे औरतें, ठीक है ना। तो इस कारण जो है ना कार्रवाई नहीं हो सकी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और हमें भागना पड़ा वहाँ पर।